हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज है हमारे यहाँ पे मतलब मेरे जो पालमपुर वाला घर है, मतलब मेरा मायका, वहाँ पे मेरी चाची जी जो है उनके बेटे का आज जनेऊ संस्कार है। तो कांगड़ा में मोस्टली जैसे ब्राह्मण्स हैं उनमें क्या होता है कि शादी से पहले लड़के को जनेऊ डाला जाता है। कांगड़ा नहीं, मोस्टली हिमाचल के बहुत से एरियाज़ में जनेऊ डाला जाता है लड़कों को। हमारे यहाँ माना जाता है कि जब तक लड़के को जनेऊ ना डाल दे तब तक लाइक वो जैसे कभी किसी की नियर वन किसी की भी डेथ हो जाती है तो वो उसको लकड़ी डालने नहीं जा सकता है, उसको दाह नहीं दे सकता है या और भी कोई शुभ कार्य भी है वो उसके हाथ से नहीं लगता है। तो हमारे यहाँ पे जब भी कोई लड़का लाइक 9 साल का, 11 साल का या 13 साल का हो जाता है तो फिर हम जनेऊ डालते हैं उसको। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमारे यहाँ कांगड़ा में कैसे जनेऊ संस्कार होता है। तो छोटे छोटे ग्लिम्सेस कैप्चर करने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी एक शॉर्ट सी वीडियो में आप सब समझ पाए कि हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार कैसा होता है। तो मिलते हैं आपसे बाकी कुछ जनेऊ की झलकियों। तो किसी भी शादी ब्याह या फिर जनेऊ में जो सबसे पहली रस्म होती है कांगड़ा में वो होती है चरखे कतने की। तो इसमें क्या करते हैं, जो कपास होता है उसको डालते हैं और एक धागा बनाते हैं और उस धागे को जब जनेऊ संस्कार या फिर जो भी हमारी शादी ब्याह ख़त्म हो जाता है तो हमारी लास्ट रस्म होती है दारण पूजने की। तो ये रस्म मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो वहाँ पर ये धागा हम चढ़ाते हैं। तो जो घर की लेडी होती है वो सारी जितनी भी कुल की लेडीज हैं उन सबको एक एक सुहागी और एक एक चुन्नी देती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबने एक जैसी चुन्नियाँ पहनी हुई हैं। तो फिर उसके बाद आता है हमारा बटने की रस्म। तो यहाँ पे मैं, मेरी मम्मी और पापा मेरे चाची के बेटे परीक्षित को बटना लगा रहे हैं। तो फिर बटना लगाने के बाद हमारी आती है देवताओं को पूजने की रस्म। तो जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनको हम पधाड़ी देने जाते हैं। जो जो भी हमारी कुल देवी हैं, हमारे बाबा जी हैं, उन सबको हम पधाड़ी देते हैं। तो फिलहाल मैं अभी बटना लगा रही हूँ अपने भाई को और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ अगली रस्में। सो अब फाइनली बुटने और चरखे की रस्म खत्म हो चुकी है। तो अब अगला जो है वो है धाम। जो हमारे यहाँ खाना है, लंच होता है एक्चुअली, उसको धाम बोलते हैं। तो अगर कैप्चर कर पाई तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी और अदरवाइज मैं खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। मैं मोस्टली उसको आराम से फोकस करके ही खाना मुझे पसंद है। तो अगर ले पाई तो वो भी दिखाऊंगी, अदरवाइज मिलते हैं आपसे अगली रस्म में जो भी जनेऊ में होती है। तो ये है मेरे दादाजी के भाई जो कि सबसे बड़े मेंबर हैं हमारे घर के। तो अब बारी बारी हमारे कुल में जितने भी लोग हैं वो सब देवी देवताओं को मनाएंगे। ये हैं हमारे बाबा जी और इसी के साथ हम जितने भी हमारी कुल देवी, कुल देवता और बाबा जी, नाग देवता जितने भी हैं उन सबको झंडियाँ लगाएंगे, जो प्रसाद बनाया है वो लगाएंगे और साथ साथ में गाने गाते हुए रोट और जो भी सब कुछ होता है वो सब करेंगे। तो अभी बारी बारी सब लोग वही सब कर रहे हैं। तो ये है मेरी चाची का बेटा परीक्षित जो कि 13 ईयर्स का है और इसका जनेऊ संस्कार अभी हो रहा है। तो ये भी सारे देवी देवताओं को उसी तरह पूज रहा है जिस तरह बाकी लोगों ने पूजा करी। सो दीज आर माई कम्फर्टेबल क्लोथ्स और अब हम लंच भी कर चुके हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर दिखाएंगे आपको शाम का जो भी प्रोग्राम होता है। तो अब शाम हो चुकी है और चाची के मायके वाले सारे आ चुके हैं। तो कोई भी जनेऊ संस्कार, शादी कुछ भी हो उसमें मामों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो ये एक अलग से हमारे यहाँ प्रोग्राम होता है जिसमें शाम को मामा मामी सब आते हैं और फिर अपने जिसका भी जनेऊ संस्कार या शादी होती है उसके लिए सारे कपड़े या सामान लेकर आते हैं और वो बारी बारी सबको बांटते हैं। तो अभी हम लोग सब बाहर बैठे हुए हैं और डांस कर रहे हैं और वही सब इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी जो बचे हुए हमारे यहाँ पे देवी देवता थे उनकी भी पूजा हो चुकी है और अब शुरू होगी सांध जिसमें कि हवन होता है और साथ में तेल डाला जाता है। फिर तो अब हवन संपूर्ण हो चुका है और जितने भी कुल के मेंबर्स हैं वो सारे पूर्ण आहुति भी दे चुके हैं और जितनी भी कुल की लेडीज़ हैं उनको हाथों में कंगने भी बंध चुके हैं। तो अब शुरू होती है तेल की रस्म। तो अब जितने भी फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हैं वो बारी बारी आकर
तेल वाली रसम करेंगे। तो तेल वाली रसम में 3 बार तेल डालते हैं और सब वही रसम को रिपीट करेंगे। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड भी तेल डाल रहे हैं और कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवा रहे हैं। तो एक तरफ हो रही है तेल वाली रसम और दूसरी तरफ हो रहा है डांस। तो यार ये बाजों में डांस करने का ना अपना ही एक मज़ा है। बेशक आज की जनरेशन डीजे वगैरह में ज़्यादा इंजॉय करती है, बट जो बाजे और ढोल में डांस करने का मज़ा है ना, वो अपना ही है और एक अलग ही नज़ारे होते हैं। और ये है मेरी दादी के भाई। तो अभी हम सब डांस करेंगे और रात का इतना ही प्रोग्राम है। अब हम मिलते हैं आपसे सुबह, कल सुबह जो बाकी की रस्में हैं उसको दिखाने के लिए। सो अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आपको दिखाती हूँ जनेऊ के नज़ारे। तो ये देखिए, ये है मेरे चाचा का बेटा जिसको रात तक आप बालों में देख रहे थे और अच्छा खासा तेल डल रहा था। तो अब उसके मुंडन हो चुका है और बाल निकाल दिए हैं और कानों में बालियाँ भी डाल दी हैं। अभी हमारे जो कुल के पुरोहित हैं वो उसको मंत्र बता रहे हैं, जो भी गुरु मंत्र होता है। तो इनको अब दोनों को ढका जाएगा और फिर गुरु मंत्र दिया जाएगा। और साथ के साथ आप लोग यहाँ पे पीछे 5 से 7 लोग बैठे हुए देख रहे होंगे, ये सब जो हैं वो पाठी हैं जो 108 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ये लोग मोस्टली या तो घर के जवाई होते हैं या फिर नंदोई होते हैं, जिनको एज अ पाठी बिठाया जाता है जनेऊ संस्कार में। इस समय माना जाता है कि जिसका जनेऊ हो रहा है उसे बाबा बालकनाथ जी का रूप माना जाता है और सब इसके पांव छुएंगे और बारी बारी जनेऊ पहनाएंगे। तो सबसे पहले जो लड़के की माँ होती है वो 108 बार उसे जनेऊ पहनाती है और भिक्षा देती है, और उसके बाद सारे फैमिली मेम्बर्स बारी बारी आकर उसको जनेऊ पहनाएंगे। तो ये ही रिचुअल हम सब फॉलो करेंगे जैसे जैसे हमारी चाची फॉलो कर रही है। तो बाय द टाइम सब लोग जनेऊ पहना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डांस इंजॉय कर रहे हैं। और यार बाजों में डांस करने का ना अपना ही एक मज़ा है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। और जब ऐसे कोई फंक्शंस होते हैं ना और सारे परिवार वाले, सब बुआएं, सब फैमिली मेम्बर्स जब मिलते हैं और उनके साथ डांस करने में ना यार एक अपना ही मज़ा आता है। तो डांस के बाद हम लोग भी जाकर परीक्षित को जनेऊ पहनाएंगे और भिक्षा देंगे। तो सबसे पहले मम्मी पापा का दिखाती हूँ कैसे वो ये सब करते हैं और उसके बाद हम भी सेम चीज़ रिपीट करेंगे। वैसे ना इंडिया काफ़ी डाइवर्स नेशन है और सारी स्टेट्स के अपने अपने कुछ कुछ कल्चर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी स्टेट्स में मैंने देखा है कि जनेऊ संस्कार मनाया जाता है। तो अब जैसे कि मेरी मम्मी जनेऊ डाल चुकी हैं तो फिर वो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन सबको 20-20 रुपए बांटेंगे। ऐसा जितने भी क्लोज रिलेटिव्स हैं वो करते हैं, जैसे कि चाची, मामी, नानी, मम्मी, ये सब लोग। तो अब जैसे कि मेरी मम्मी पापा ने जनेऊ पहनाया, वैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड भी जनेऊ पहनाएंगे और फिर साथ में दक्षिणा देंगे और भिक्षा देंगे। तो अगर आपकी भी स्टेट में कुछ ऐसा सिमिलर कल्चर, कुछ भी ऐसा ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ पे मेरी चाची का बेटा शर्मा रहा था और भिक्षाम दही नहीं बोल रहा था, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि पहले भिक्षाम दही बोल, तभी मैं तुझे भिक्षा दूंगी। सो ऐसी भी नोकझोंक चलती रहती है जनेऊ में। तो अब हम जनेऊ डालेंगे और फिर उसके बाद आपको आगे का सब दिखाती हूँ।
तो अब अगली रस्म है जिसमें परीक्षित भागेगा और इसके मामा इसको पकड़ेंगे। और यहाँ पे मामा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ये भागने में कामयाब हो गया और मामा इसको नहीं पकड़ पाए तो ये गृहस्थ जीवन छोड़कर लाइक वनों में ही निवास करेगा। तो ये भी एक लाइक हंसी मजाक वाली रस्म है, बट स्टिल इसको फॉलो करना ज़रूरी है। तो अब ये देखिए, ये भागने के लिए जगह ढूंढ रहा है लेकिन इसके मामा चारों तरफ फैल चुके हैं ताकि ये भाग ना पाए। और ये देखिए, अब परीक्षित भागने में कामयाब हो गया है। अब देखते हैं इसके मामा इसको पकड़ पाते हैं या नहीं। ये ले आए पकड़ के मामा सब जोगी को जो भाग गया था। और अब मामा सब इसको पकड़ के तो लाए हैं लेकिन साथ में दी है थोड़ी सी रिश्वत। तो अब इन दोनों के बीच में बार्गेनिंग हो रही है कि कितने पैसे ये लेगा अंदर जाने के लिए। तो ये कुछ लाग और ये सब वाली रस्में हैं जो फॉलो की जाती हैं। तो ये देखिए, ये शायद 2000 में सेटल हो गया है इनका मामला। ये तैयार है लाड़ा, इधर देख। तो अब इसे कोट पैंट पहना कर तैयार कर दिया गया है। अब यहाँ पे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो इसे हार पहनाएंगे पैसों वाला, और जो भी गिफ्ट्स हैं वो सब देंगे। बाय द टाइम लंच का भी टाइम हो गया था तो हमने सोचा हम धाम भी खा लेते हैं। और अब आपको धाम की झलकियाँ भी दिखाती हूँ। तो वैसे पत्तल में बहुत मज़ा आता है। पहले आते हैं मदरे, तो सबसे पहले आए राजमा, देन मटर पनीर, फिर ये आई सेपू बड़ी आई गेस, फिर आती है रेटी, और उसके बाद चने की दाल, और फिर आएगी माह की दाल, और लास्ट में आएगा चने का खट्टा, और मिष्ठान में आएंगे मीठे चावल। सो ये है छोटी सी कांगड़ी धाम। और उसके बाद अब हम इसको तंबोल लगाएंगे। तंबोल हमारे यहाँ बोलते हैं टिक्का लगाने को, हम इसको टिक्का लगाएंगे। और उसके बाद जो भी हम इसके लिए कपड़े और पैसों वाला हार लाए हैं वो सब हम इसको पहनाएंगे। सो दिस वॉज दी लाइक एंड ऑफ जनेऊ। और इसके बाद भी काफ़ी रिचुअल्स आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये एक तरह से जनेऊ का ऑफिशियली ख़त्म होना है। जो लास्ट पार्ट है वो टिक्का लगाने वाला होता है। तो ये है अब शाम की झलकियाँ, जब सारी लेडीज़ संगीत कर रही थी और साथ के साथ भजन कीर्तन और सब बारी बारी डांस कर रही थी। तो मैं भी डांस कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, और बाकी आपको आगे दिखाते हैं जो भी फॉलो हम करते हैं। तो अब आ गया है day 3, जिसमें सारी लेडीज़ की बारी बारी कंघी करेंगी मेरी बुआ, और जो लेडीज़ हैं वो इन रिटर्न इनको सुहागी देंगी, और साथ में जितनी भी यहाँ पे लेडीज़ बैठी हैं उनको मीठा और पैसे बांटेंगी। तो ये सब करने के बाद हम जाएंगे दाड़न पूजने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो हमने चरखा कता था उससे जो लाइक धागा निकला था उसको हम दाड़न में चढ़ाएंगे। तो नाउ हेडिंग टुवर्ड्स दी एंड ऑफ जनेऊ, या फिर कोई भी शुभ कार्य। हमारे यहाँ पे जब भी कोई शुभ कार्य ख़त्म होता है तो दाड़न की पूजा की जाती है। तो अभी सारी कुल की लेडीज़ यहाँ पे दाड़न के पास आएंगी और अपने अपने कंगने खोलेंगी, और यहाँ पे एक कंगन भाई भी बनाया जाएगा, जो भी मेरी चाची का बेटा है उसका, जो उसका कंगन खोलेगा। तो सब अपने कंगने खोल कर दाड़न में चढ़ाएंगी। सो दिस इज़ दी ऑफिशियल एंड ऑफ जनेऊ और एनी मैरिज सेरेमनी। तो ये है दाड़न का छोटा सा पेड़ जिसकी सारी लेडीज पूजा करेंगे। तो जिन लोगों को दाड़न का ना पता हो, हमारे यहाँ दाड़ू बोलते हैं अनार को, और उसका जो फीमेल वर्जन होता है वो होती है दाड़न, जिसकी सारी जितनी भी हमारे यहाँ शुभ कार्य होते हैं उसको पूजा जाता है एंड में। तो अब सारी लेडीज़ इसकी पूजा करेंगी और फिर अपने अपने कंगनों को खोल कर इसके ऊपर चढ़ाएंगी, और फिर लास्ट में दाड़न माता से ये सुखना करेंगी कि इसी तरह हमारे यहाँ शुभ कार्य होते रहें और हम आपके पास आते रहें।
तो ये देखिए, ये है मेरी ताई जी जो मेरी मम्मी का कंगना खोल रही है। फिर ये कंगना खोलने के बाद सब लोग इसको दाढ़न के ऊपर चढ़ाएंगे और फिर उसके बाद परीक्षित का बनाएंगे कंगन भाई, जो उसका कंगना खोलेगा और यहाँ पे वो लोग भी कंगने चढ़ाएंगे। तो ये है परीक्षित का कंगन भाई। तो ये आपस में एक दूसरे को पहले तिलक लगाएंगे, फिर ये परीक्षित का कंगना खोलेगा और फिर इसको दाढ़न के ऊपर चढ़ाएगा। सो दिस इज द लास्ट सेरेमनी ऑफ जनेऊ और मैरिज इन कांगड़ा। सो आई होप आपने मेरा ये वीडियो इंजॉय किया होगा, और अगर आपको ऐसे कल्चरल वीडियोस और चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।